स्पाइसी मशरूम कैसरोल बनाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तानी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी मशरूम कैसरोल, तो बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट होता है। हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिया 250 ग्राम्स ऑफ कीमा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ कच्चा पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ सीख कबाब पाउडर टिक्का पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट, देन 1 टीस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 आवर के लिए मैक्सिमम मैरिनेशन करने रखते हैं। जी, तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, जो कि है वाइट सॉस। मशरूम वाइट सॉस बनाएंगे बेसिकली। इसके लिए हमें नीड होगी, मैंने कैंड मशरूम्स लिए हैं, वाइट मशरूम्स जो होते हैं, और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 5 to 6 टेबल स्पून ऑफ चेडर चीज़ ली है। मोजरेला यूज़ नहीं करिएगा, चेडर यूज़ करिएगा, क्योंकि हमेशा चेडर का टेस्ट अच्छा होता है। मोजरेला में जो वो स्ट्रैचिंग एबिलिटी होती है, सो चेडर चीज़ यूज़ करिएगा। हमें इसमें स्ट्रैचिंग से ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं मिल्क यूज़ करूँगी 1 ग्लास, अगेन ऑरिगैनो जो कि इटालियन हर्ब है वो थोड़ी सी यूज़ करेंगे। क्रीम यूज़ करूँगी मैं 2 to 3 टेबल स्पूंस, ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 to 1.5 टेबल स्पून, 2 to 3 टेबल स्पूंस ऑफ मैदा यानी वाइट फ्लोर, और थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ होगा। एंड बस इसमें कोई टेक्निक नहीं है, जिसमें बहुत ईजी वे है सॉस को बनाने का। 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल। अब इसके अंदर जो मैंने मैरिनेटेड मसाला जो था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इस कढ़ाई के अंदर, और इसको जो है वो अच्छे से फ्राई कर लूंगी। मैंने मैरिनेशन में नमक नहीं डाला था, बेसिकली वो मैं अब इसके अंदर ऐड करूंगी। हो गया, बस अब ये हो जाएगा फ्राई, एंड देन हम इसको बस कोयले का दम देंगे एंड ये डन हो जाएगा। बहुत ही स्पाइसी सा जो है उसका टेस्ट होता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड बहुत इजी भी है, बहुत जल्दी बन जाएगा। कोई इसमें एडिशनल वाटर वगैरह हमें कुछ नहीं डालना। जी, तो हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो ओरिगैनो जो हमारा एक इंग्रेडिएंट मैंने छोड़ दिया था, इटालियन हर्ब जो, उसको बस उसकी बहुत अच्छी जो है ना अरोमा होता है, इस वजह से बहुत डिलीशियस है, इसका टेस्ट आता है, वैसे पिज्ज़ा में भी डलता है। तो ये हो गया, अब मैं इसमें जो है वो स्टोव ऑफ कर दिया, मैंने बंद कर दिया। अब मैं जो है इस पर कोयले का दम दूँगी, थोड़ा सा जो है वो घी या तेल डालूंगी ताकि इसके जो फ्यूम्स हैं वो उठ जाएं, और इसको फिर स्टोव कर दूंगी मैं, लिड रख दूंगी इस पर ताकि इसके जो भी धुआं है वो उसके अंदर ही रहे। सो हम इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए रखेंगे एंड देन हम इसको जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम वाइट सॉस बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, 3 टेबल स्पून ऑफ मैदा यानी वाइट फ्लोर डाल दूंगी, उसको थोड़ा सा जो है वो फ्राई करूंगी इसके साथ। अब इसके अंदर जो 1 ग्लास ऑफ मिल्क हमें यूज करना है वो डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर जो है वो जो रिस्ट होता है उससे भी इसको फेंट कर सकते हैं, वैसे ये इस तरह खुद भी हो जाएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए बेसिकली। क्रीम यूज जो की है, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो इसका ये जब टेक्सचर आ जाएगा अब हम इसके अंदर जो है वो ये जो एक बार है ये इतना 2 to 3 tablespoons ऑफ चीज़ मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इसके अंदर खुद ही मेल्ट हो जाएगी। बस इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे एंड देन एट द एंड हम इसके अंदर मशरूम्स एंड ऑरिगैनो डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा और मिल्क भी ऐड कर सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, अगर आपका ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है सो क्योंकि ये थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में होगा। अब हम इसके अंदर जो है मशरूम्स ऐड कर देंगे जो कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है बेसिकली, तो ये मैंने ऐड कर दिए। मशरूम से बहुत इसका अमेजिंग फ्लेवर आता है। थोड़ा सा जो है मैं ऑरिगैनो ऐड करूँगी ताकि अच्छी से जो है वो इसको अरोमा आ जाए वाइट सॉस के अंदर। सो इट्स डन, ये हो गया है हमारा सॉस रेडी हो गया। अब हम इसकी जो है वो लेयरिंग की तरफ आ जाएंगे। अब सबसे पहले मैंने एक डिश ली है, इसके अंदर बटर को मैंने लगा के अच्छी तरह इसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो मैक्रोनीस मैंने लिए हैं, वन बोल बिग बोल जो होता है या हाफ पैकेट स्पाइरल मैक्रोनीस के लिए उसको बॉईल कर लिया है। और इसको मैं एज अ फर्स्ट लेयर जो है वो पायरिक्स डिश होती है जो कि ओवन सेफ होती है वो यूज़ की है, और उसके अंदर मैंने पहले बटर लगाया और मैंने इसके अंदर ये जो है उसकी फर्स्ट लेयर डाली। अब मैं इसके ऊपर जो कीमा है जो हमने मसाला बनाया था वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी अच्छी तरह। ये हो गया, ये हमने सारा अच्छे से डाल दिया। जितना भी मैंने सॉस बनाया था वो सब मैं इसके ऊपर जो है वो ड्रिप आउट कर दूँगी। जूलियन कट जो है कैप्सिकम ली है और थोड़ा सा ओरिगैनो जो है वो हम इस पर स्प्रिंकल आउट कर देंगे। अब हम इसे जो है 180 डिग्रीज पे बेक करेंगे 15 टू 20 मिनट्स के लिए। हमारा स्पाइसी मशरूम कैसरोल बिल्कुल रेडी हो गया है, बेक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। ये 4 to 5 पीपल के लिए बिल्कुल इनफ है। As everyone knows, हमने एक कॉन्टेस्ट रखा था एक वीक पहले जिसमें आप लोगों ने बहुत भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, बट ऑब्वियसली विद अ हैवी हार्ट लकी ड्रॉ में एक ही पर्सन सेलेक्ट हुआ एंड दैट पर्सन इज़ समन खान फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशन समन एंड यू हैव वॉन द गिफ्ट हैम्पर। यू हैव टू ड्रॉप द एड्रेस ऑन अ पेज और हम आपको जो है वो गिफ्ट हैम्पर जल्द से जल्द पहुँचा देंगे। एंड जो नहीं जीते एटलीस्ट आपने पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ऑब्वियसली आप आगे इस पेज पे एक्टिव रहिएगा, इस तरह के कॉन्टेस्ट बहुत आते जाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हम इस तरह के कॉन्टेस्ट को अपलोड करेंगे, तो आप ज़रूर ज़रूर एक्टिव रहिएगा और पार्टिसिपेट करिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।